पिक्चर में काम करा, उसको हफ्ती ने स्नेक बना लिया हुआ, ठीक है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब फैमिली, क्या हाल आप सबका। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह नाश्ते का वक्त चल रहा है, 8:30 बज गए हैं आज। अब तो खाती को छुट्टी थी स्कूल से, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लेट उठी हूँ, नहीं तो मैं सुबह जो है ना वो तकरीबन 6:30 बजे उठ जाती हूँ। तो मैंने कहा चले आज नींद पूरी कर लेते हैं, नाश्ते में हम बना रहे जी। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है चूल्हे पर, चाय पक रही है, तवा गर्म हो रहा है, इस पर ब्रेड गर्म करते हैं अपनी, और यहाँ पे अंडे उबाल रही हूँ मैं। अंडे को मैंने आज सोचा है कि एक अंडा जो है ना उसके अंदर मायनीज डाल के, नमक मिर्च डाल के तो ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी, थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता करते हैं। तो ब्रेड थोड़ा सा मैं लेट गर्म कर रही हूँ, ताकि मैंने कहा पहले चाय और अंडे तैयार हो जाने, तो फिर ब्रेड ठंडी हो जाती है हमारी। स्कूल ऑफ है तो फिर होमवर्क कैसे मिलेगा बेटा। नहीं होमवर्क तो फिर मिलेगा ही नहीं ना, तो फिर मेरी तो मोजी होगी, तुम चीज़ों की छुट्टी होगी। हाँ मोजी होगी, अब इस कार साहब से पढ़ना है, लेकिन कार साहब कल तो मेरी छुट्टी के बाद ही। हाँ जी, तो दो चीज़ें होगी फिर से दो। हाँ जी होगी, चले चाय खेले, बाप मामा नाश्ता बना ले। ओके जी। तो हादी तो बहुत ज़्यादा खुश था, सुबह सुबह मेरे पास आया पूछने के लिए कि मामा मुझे ट्यूशन का काम तो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि छुट्टी है स्कूल से। तो अगर रूटीन में इसकी छुट्टी हो ना तो होमवर्क डेली बेसिस पे आ रहा, तो व्हाट्सएप मिस कर देती हैं, तो वो मैं इसको ट्यूशन से छुट्टी नहीं करवाती, वहाँ पर जाके जो है ना काम कर लेता है। तो आज उसे ये भी खुशी है कि मुझे अब ट्यूशन भी नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि स्कूल से होमवर्क भी नहीं आएगा। तो ये जनाब लॉन्ग वीकेंड जो है ना इसका हो गया, थर्सडे का भी ऑफ मिल गया, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो 4 छुट्टियां जो है ना इसको मिल गई हैं। तो रात से बहुत ज़्यादा जाना एक्साइटेड है कि मैं इतनी ज़्यादा छुट्टियां मुझे आ गई हैं बीच में जी। तो यहाँ पे नाश्ता भी मेरे तकरीबन तैयार हो चला था, अंडे बॉयल हो गए थे, इसमें से एक अंडा मैंने लेके इसको मैश कर लिया है, और इसके अंदर नमक और काली मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा मायोनीज डालूंगी और लगा लूंगी ब्रेड के ऊपर। तो सम टाइम ना हमने एक जैसी चीज़ें खा खा के बोर हो जाती हैं, तो मैं तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, रूटीन में जो है ना सेम चीज़ नहीं खाई जाती, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट भी जो सम टाइम होता है दिल करता है बनाने को। फिर ये मैंने इस तरह से सैंडविच बना लिया था ताकि अंडा भी खा लूँ, प्रोटीन्स भी साथ मिल जाएँ और जो है ना मेरा काम भी हो जाए। तो रिजवान के लिए वैसे मैंने अंडे बॉयल कर दिए थे, वो जिम से आ गए थे, अब नहाने के लिए गए हैं। तो बस नाश्ता करते हैं और आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद। मैं डालने वाले कपड़े भी इकट्ठे हो गए हैं, काफ़ी धोने वाले धोने के सारे, तो मशीन में डाल देते हैं साथ के साथ। बास्केट भर गई है, अब हम इसको जो है ना पहले रिजवान के साफ कपड़े वो ऐड करते हैं, उसके बाद बाकी के। जी तो यहाँ पे जो मेरी हेल्प हाउस हेल्प है ना वो भी आ गई है। तो अभी ना मैंने कुछ दिन पहले ना चेंज की अपनी हाउस हेल्प, जो पहले वाली थी ना बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करती थी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही तंग आ गई थी उससे जो है ना छुट्टियाँ रोज़ छुट्टियाँ। बहरहाल इनका जो है ना इसी तरह से होता है, जो भी रख लें आप छुट्टियाँ तो वो लाजमी करती हैं। तो खैर बर्तन पहले मैं धुलवा रही थी, तो अब बर्तन मैं खुद ही धोना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि जो है ना मेरे 2 टाइम के बर्तन होते हैं, तो अक्सर रात को जो है ना ये डंडी मार जाती हैं, आती नहीं है, फिर जो है ना मसला हो जाता है, क्योंकि मुझे शॉप पर भी जाना होता है, तो ना हो ना फिर मैं खुद ज़िम्मेदारी से अपने बर्तन वॉश कर लेती हूँ।
जी, तो फिर हमने बांध लिया अपना एप्रल और शुरू हो गए हम जैक अपने बर्तन धोने पे। तो फिर ऐसे स्पीड मारी ना कि मैं क्या कहती हूँ कि इतनी स्पीड से बर्तन मैंने धोती हूँ ना कि मैं खुद समटाइम हैरान हो जाती हूँ कि मेरी इतनी स्पीड बन गई बर्तन धो धो के। तो जो है ना इंसान जो है ना खवातीन जो होती है ना बस उनके जो है ना स्पीडें फिर काम में ऐसे ही होती हैं कि बस कमर बांध लेती हैं और फिर हो जाती हैं सुबह सुबह शुरू। और जब रात का वक्त होता है ना तो फिर तो कुछ ना पूछें, फिर ऐसे गिरने वाली हुई होती हैं कि जो है ना बस बिस्तर हो और हम सीध गिर जाएं और फिर रात को हमें कोई ना कुछ भी पूछे। तो बस सुबह के वक्त एनर्जी का लेवल होता है कि वो 100 पे गया होता है और रात के वक्त जो है ना वही जो है ना लो होकर 0 पर आ जाता है। तो बस मेरा भी कुछ इसी तरह से हाल था। सुबह मैं बड़ी एक्साइटेड थी, बड़ी फ्रेश थी और जो है ना मैंने जो है ना वो ऐसे स्पीड मारी, फटाफट बर्तन भी धो लिए, घर की साफ़ सफाई भी कर ली, कपड़े भी धो लिए और किचन भी सारा साफ़ सुथरा कर लिया। और फिर एक अजीब सी फिर ना खुशी भी महसूस होती है कि चलो जी टाइमली हमने सारे काम कर लिए। और जो है ना जल्दी उठने के बड़े ही फ़ायदे हैं, आप टाइम से जो है ना अपनी सारी चीज़ें करके फारग हो जाती हैं। तो अगर आपका कोई जो है वो और भी काम है, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, तो फिर आप उसको भी टाइम दे सकती हैं। अगर हांडी रोटी में ही आप देरी कर दें ना तो आप जो है ना लटकाते रहे अपने छोटे छोटे से काम, तो रात बस ऐसे ही हो जाती है, दिन इतने बड़े भी नहीं होते हैं। तो अगर सुबह जल्दी उठे हो ना तो दिन काफ़ी लंबा हो जाता है, आप जिससे मर्ज़ी आप अपना काम करें सुकून से और अपने आप को भी फिर आप एंड पे टाइम दे सकते हैं। तो काफ़ी दिन जो है ना वो काम वाली बर्तन धो रही थी, लेकिन अब जो है ना मैं ठीक हो गई तो मैंने उसकी छुट्टी करवा दी। मैंने कहा तुम बाकी काम करो, बर्तन मैं खुद अपने हाथों से धो के सिमटूंगी, क्योंकि इस तरह से ना कुछ पता चलता था कहाँ के कहाँ बर्तन रख देती थी और जो है ना बस ऐसे ही था, गुजारा ही था। बहरहाल ये देखे माशाल्लाह से किचन नीट एंड क्लीन हो गया, सेटिंग थोड़ी सी मैंने मज़ीद जो है ना चेंज की काउंटर टॉप की। ये तो हमारी जो है ना फ्रूट बास्केट थे, हमने इसको अभी फ़िलहाल वेजिटेबल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मशीन ऊपर वाली नई ना आपको लग रही होगी, इसके ऊपर वाला जो है ना ख़राब हो गया था, ये रिजवान नया लेकर आए हैं। तो वैसे हमने दूसरी भी जूसर मशीन एक ले ली थी जब मैं बीमार हुई थी, लेकिन अब उसको मैंने संभाल दिया फ़िलहाल, उसकी ज़रूरत नहीं थी तो ये मैंने रख ली, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होती है, इसके ऊपर जग भी लग जाता है, डब्बी शब्बी से वो भी आपने करी। और यहाँ पे पीछे डिशेस मैंने सेट कर दी हैं, ये बर्तनों की टोकरी मैंने चेंज कर ली, पहले मेरे पास दूसरी वाइट कलर की होती थी, उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी और ना सारी विंडो जो है ना उससे मेरा बाहर का व्यू जो था ना वो कवर हो जाता था। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने सेटिंग की है आगे पीछे करके, और इस तरह से जो है हमारा ये किचन का लुक हो गया माशाल्लाह। तो ये थोड़ी बहुत चेंजेस काउंटर टॉप पे मैं करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने जो दालें मेरी यूज़ होनी होती हैं, चने की दाल, चने वगैरह, ये वो जो डेली बेसिस पे इस्तेमाल में आती चीज़ें मैंने सामने रखी हुई हैं। तो इस तरह से जो है ना किचन की चीज़ें मोस्टली स्पाइसेस भी जो मेरे इस्तेमाल होने होते हैं डेली बेसिस पे मैंने सामने रखे हुए हैं। बाकी सारी चीज़ें मशीनरी जो थी मैंने पहले जो है ना बाहर थी कुछ चीज़ें, तो अब इस तरह ड्रॉ के अंदर ये मशीन वाला एक ड्रॉ ये मैंने सेट कर दिया हुआ है। और कुछ टिफ़िन वगैरह आदि के जो लंच बॉक्स इस तरह रखती हैं, और यहाँ पे कुछ मशीनें यहाँ पे एडजस्ट करती हैं मैंने ड्रॉ। तो मैं कोशिश करती हूँ, अच्छा मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा जो है ना काउंटर टॉप के ऊपर ज़्यादा रश ना हो, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना जो आपको डेली चाहिए होती हैं वो सामने बिल्कुल मिले, उनको ढूंढना ना पड़े। तो आप किचन ऐसा होना चाहिए कि आप खाना बना रहे हैं तो सारी चीज़ें कोई अननोन बंदा भी आके आपके किचन में काम कर रहा हो तो उसको सामने सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएँ, जैसे स्पाइसेस हैं और बर्तन ये प्लेटें शेटें भी जो इस्तेमाल की होती हैं वो सामने रखी होती हैं, गिलास भी मैंने इस तरह सामने रखे हुए हैं कि बच्चों ने भी इस्तेमाल करने हैं तो रैक्स वगैरह में ढूंढना ना पड़े, सामने मिल जाए। बाकी जो मशीन्स वगैरह हैं जो देर बाद यूज़ होती है वो उनको अंदर संभाल दिया, जैसे तो पड़ी निकाल के तो इस्तेमाल कर लिया। आई होप कि आपको मेरे किचन की सेटिंग दोबारा से जो थोड़ी बहुत चेंजेस की अच्छी लगी होंगी। तो कल जो है आ रही है रबीउल अव्वल, तो रबीउल अव्वल की न्याज तैयार करनी है, तो मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं चने वाला पुलाव बनाऊँ या फिर मैं जो है ना हलीम दाल बनाऊँ, तो इसके बीच में अभी मैं फंसी हुई हूँ। तो चले देखते हैं क्या बना लेंगे, क्योंकि कल मेरा तो वर्किंग डे ही है और बच्चों को छुट्टी है, लेकिन मुझे तो शॉप पे जाना है, बुटीक पर अपने जाना है, तो टाइमली मैं कोशिश करूँगी कि मैं नियाज भी दे लूँ और मेरा बाकी का काम भी मिस ना हो, क्योंकि 15 दिन मुझे लग गए थे, मैं बिल्कुल भी जाकर बुटीक पर ना देखा ना कोई और काम किया, मेरा सारा काम जो है ना वो ऐसे बंद पड़े थे।
तो अब दोबारा से रूटीन में चीज़ें शुक्र अल्लाह का आ गई हैं और जो है ना फिर से जो है ना रूटीन मेरी जो है ना शुरू हो गई है। हादी आज घर पे है क्योंकि वो आइज़ का इन्फेक्शन जो है वो चल रहा है हमारे यहाँ पे लाहौर में भी काफ़ी फैला हुआ है कराची में भी। तो स्कूल की तरफ से मैसेज आ गया था कि बच्चों को जो है ना फ़िलहाल छुट्टी दे दी गई है जुमे रात की, जुमे की रबीउल अव्वल की हो जाएगी और हफ्ता इतवार तो वैसे ही अब तो 4 दिन छुट्टियाँ हैं। अब्दुल हादी की खूब मौजें लगी हुई हैं। तो जनाब अब्दुल हादी तो खेल रहा है अपना ये जो था क्या था ये आपका ये वो हुलाओ को हादी ने स्नेक बना लिया हुआ है। ठीक है ये तो बड़ा ज़बरदस्त स्नेक हादी का बना हुआ है। अब्दुल हादी खेल रहा है, हादी को खेलने देते हैं, हम अपने बाकी के काम ख़त्म करते हैं। जी तो यहाँ पे ना मैं मसर जो है चुग के जो है इसको भिगो दूँगी। आज मैंने बनाने हैं मसर चावल, तो 7 उबले हुए चावल होंगे, 7 मसरों का सालन और इसके अलावा जो है ना आज मैं बनाऊँगी बहुत ही मज़ेदार से मैक्रोनीस। तो डिफरेंट से रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। जी यहाँ मैंने चावल भी भिगो दिए हैं, सब कपड़े निकालते हैं मशीन में से। जी तो पहला पूर मैंने निकाल दिया था, अब मैं दूसरा जो है ना डाल रही थी। ये मेरी जो पूरी बास्केट भरी हुई थी ना कपड़ों की, मैं ये मैंने 2 दफ़ा करके जो है ना वॉश कर ली है। तो मैं जानबूझ के जो शुरू में जो है ना वो साफ़ कपड़े डालती हूँ और कम डाल देती हूँ, तो ज़्यादा भी डल सकते हैं क्योंकि बकेट इसकी काफ़ी मशीन की बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा कपड़े इसके अंदर जो है ना डल। जी तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए 1 कप कॉफ़ी। चाय तो मैंने सुबह पी हुई थी, तो इस वक्त ना दिल करता है कॉफ़ी पीने का आजकल मेरा। तो 1 चम्मच मैंने जो है ना छोटा टीस्पून जो था कॉफ़ी का डाल दिया है और 1 ही चम्मच जो है ना मैं इसके अंदर चीनी का ऐड कर दूँगी और हल्का सा पानी जो है ना इसको लगा के तो अच्छी तरह से जो है ना स्पून की मदद से इसको मैं मिक्स कर लूँगी, यकजान कर लूँगी। पानी ज़्यादा नहीं डालूँ, थोड़ा सा बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स ही डालूँगी ताकि अच्छी तरह से ये मिक्सअप हो। थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी गाइस तो मैं तो अब आराम से बैठ के कॉफ़ी पीती हूँ अपनी, ये हमारा फ्री टाइम है, तकरीबन कोई 11 बजे का वक्त हो रहा है। तो आजकल मौसम थोड़ा सा बदल गया है ना तो कॉफ़ी अच्छी लगती है। वैसे गर्मी में मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीती ना, मेरे से पी जाती है क्योंकि गर्म होती है ना, इवन के दूध में हालाँकि मैं डाल के पीती हूँ लेकिन गर्मी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो सर्दी थोड़ी सी हो तो फिर पीने का मज़ा आता है। सर्दी तो इर्सेफ नहीं आई हमारी अभी लाहौर में, लेकिन थोड़ा सा मौसम जो है ना बेहतर हो गया है कि चल पंखे के नीचे भी जो है ना गुजारा हो जाता है। अच्छा सा मौसम है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत जो है सर्दी वाला मौसम है, बस नॉर्मल सा टेम्परेचर रहता है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी जनाब वेलकम बैक टू माय किचन अगेन। तो अब मैं किचन में आ गई थी, क्या बनाने लगी हूँ जनाब, मैं अब बना रही हूँ मैक्रोनीस मज़ेदार सी। तो आधा पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ था पास्ता मैक्रोनी का, वो मैंने बॉयल कर लिया। मैं वेजिटेबल चेक करती हूँ कौन सी पड़ी हैं। तो मुझे जो है ना फिर गाजर मिली थोड़ी सी और ना शिमला मिर्च, गाजरें मोस्टली जो थी ना ख़राब हो गई थी क्योंकि काफ़ी दिन से इस्तेमाल नहीं मैं कर रही थी, जो ख़राब थी मैंने फेंक दी, बीच में से एक मुझे सही मिल गई। तो उसको कटिंग बारीक बारीक कर लूँगी, चॉप कर लूँगी और वो डालूँगी। और इसके अलावा चिकन जो है ना वो मैंने ऑलरेडी बॉयल करके श्रेड करके फ्रीज़ किया हुआ है, तो वो मेरा टाइम बच जाएगा। चिकन मैं जो है ना बॉयल्ड इस्तेमाल कर लूँगी, साथ में इसके अंदर ऐड करूँगी पोटैटो के फ्राइज़ बनाकर। तो बड़ी मज़े की रेसिपी है ये। सारी गाजरें देखें कैसे ख़राब हो गई, इनको बस निकाल के डिस्कार्ड करती हूँ जो इस्तेमाल की नहीं है, फिर जो है ना कल परसों ताज़ा सब्ज़ी आ जाएगी सारी। जी यहाँ पे मैक्रोनीस मेरे जो है ना बस बॉयल हो चले थे, थोड़ी सी इसमें कसर है। यहाँ पे साथ ही मैंने तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है और पोटैटो के जो है ना फ्राइज़ बना के वो भी मैं इसके अंदर डालूँगी, इससे बड़ी मज़ेदार सी जो है ना मैक्रोनीस बनती है। बच्चे बड़ा खुश हो के इस तरह से खा लेते हैं।
सबसे पहले मैंने चिकन को जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाल के हल्का सा भून लिया था। अब उसके अंदर सारी वेजिटेबल्स डाल के स्पाइसेस डालती, स्पाइसेस में नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया मैंने, और इसके अलावा चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा केचप जो है ना मैं डालूंगी। ये साथ मैंने ऑलिव ऑयल जो था ना थोड़ा सा वो भी ऐड कर दिया था। स्पाइसेस इसमें मैंने ना कम रखी, हादी ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं करता, तो वेजिटेबल थोड़ी सी भुन गई थी, साथ ही फिर मैंने मैक्रोनीज इसके अंदर ऐड कर दी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ी सी मुझे काली मिर्च कम महसूस हो रही थी, फिर मैंने दोबारा से थोड़ी ऐड कर दी थी, और एंड पे जो है ना इसके अंदर फ्राइज डाल के उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बहुत ही मज़ेदार से मैक्रोनीज बने थे, और वेजिटेबल जो कि छोटी छोटी थी ना तो इस तरह से हाथी ने भी खा ली थी, अदरवाइज़ वेजिटेबल जो है ना वो ज़्यादा खाता नहीं है। तो मज़ीद जो है ना चिली सॉस, सोया सॉस थोड़ा सा मैंने मज़ीद ऐड कर दिया था, क्योंकि मैक्रोनीज ज़्यादा थी, मुझे थोड़ा सा कम महसूस हो रहा था, लेकिन स्पाइसेस बहुत अच्छे रहे थे, कम थे, मज़े की बन गई थी। अब्दुल हादी तो खुश हो गया, एंजॉय करो अब्दुल हादी, फिर मम्मा को बताओ कैसा बना। तो ये हमारा मसलों का प्रेस हमने खोल लिया, मसल जल्दी है, बस थोड़ी देर इसको थोड़ा सा थिक करती हैं और तड़का लगाती हैं। यहाँ पे काम शाम से फारग हो गई हूँ आज का। आई होप के भी लोग आपको अच्छा लगेगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।